बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी अपने साथ दोस्तों के साथ गुजारिश है कि आइंदा की तरह गुजारिश है कि जो भी मेरे भाई हैं वो मेरी वीडियो पूरी वाच किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने एक बात मेरे जहन में चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों, आप सबको पता है क्योंकि जो कि मैट्रिक क्लास के पेपर थे वो टोटल 8 बुक्स के पेपर लेते थे और जो इंटर गए थे वो 6 किताबों के लेते थे पेपर। लेकिन अब जो हुकूमत ने ये रूल चेंज कर दिया क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, आपको पहले भी बताया था, आपको भी इल्म होगा कि आपके हर शहर में इत्तेजाज हो रहे थे कि स्टडी ऑनलाइन ये ऐसा वैसा मसला बन रहा था। तो हुकूमत ने मुतफक्का फैसला किया और इस पर फैसले पर हम दरमंद होकर तो हुकूमत ने मुतफक्का फैसला किया कि जो कि मैट्रिक क्लास के हैं उनके सिर्फ इलेक्ट्रिक पेपर लेंगे, सिर्फ 4 पेपर होंगे और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया वगैरह का पेपर नहीं होगा, सिर्फ मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे, 4 पेपर नहीं होंगे। तो दोस्तों, इन 4 पेपरों की वजह से कई लोगों को नुकसान भी हुआ है लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे तो मज़े फ़ायदा महसूस हो रहा है क्योंकि एक टाइम में हमने 8 पेपरों की तैयारी करनी थी, एक दिन में 8 बुक्स के टेस्ट दिया करने थे, लेकिन अब कम शार्ट हो गया, 4 बुक्स के टेस्ट देने पड़ रहे हैं। अब बहुत ही अच्छा हो गया। तो कई भाई जो कमज़ोर थे, और अब मैंने सुना है, वैसे अभी तक पढ़ा तो नहीं, जो क्या वो कहते हैं कि इंटर की, मैंने सुना था कि वो लोग कहते हैं कि इंटर की जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, और साथ हमारे दोस्त भी पढ़ते हैं तो कहते थे कि इंग्लिश बहुत टफ है। और ये जो किताबें ये हमारी लाइफ में से और मैट्रिक क्लास में से बाहर हो गई हैं। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 उर्दू, नंबर 3 मुतालिया और नंबर 4 इस्लामियात। इस्लामियात भी फार हो गई। ये 4 किताबें हमारे मैट्रिक में से कैंसिल कर दी गई हैं और ये चार बुक्स हैं जो हमारी मैट्रिक क्लास में इंटर हो गई हैं। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 फिजिक्स, नंबर 3 केमिस्ट्री, नंबर 4 मैथ। ये 4 बुक्स आ गई हैं, ये 4 बुक्स निकाल दी गई हैं यार। तो देखते हैं अब क्या बनता है, देख रहे हैं अब पेपरों के इंतज़ार करते हैं और तैयारी करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों।